बेहतरीन तोहफा देना हो तो मदद कर देना, और जिसकी भी करो तुम हद पार कर देना। कुछ भी हो जाए पर इरादे नेक रखो, दूसरों की मदद के लिए दिल में प्रेम रखो। दूसरों की दिल से मदद कीजिए, शांति और खुशियाँ व समृद्धि मुफ्त में लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धनंजय कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो आज फिर मैं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। तो आप सभी के वीडियो शुरू करने से पहले मैं बीच में डिस्टर्ब न करना चाहता हूँ, तो पहले मैं आप सभी को कुछ बता देना चाहता हूँ। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सभी तक पहुँच सके, इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ टॉप ऐसे 5 हॉस्पिटल्स जो हैं ENT आपके शहर में हैं, जो ईयर नोज थ्रोट से हैं रिलेटेड, और जो आपके शहर में पटना से हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हॉस्पिटल है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, जानकी ENT हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। ये है आपका, इसकी रेटिंग की बात करें की जाए तो 4.3 रेटिंग है और अप्रॉक्स ये 14 साल से ओपन है। यहाँ पे इसका 14 साल से कार्य चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं और इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBBS MS ENT से, और कंसल्ट ENT सर्जन से हैं, ट्रेंड इन माइक्रो ईयर सर्जरी VIMS कोलकाता, और ट्रेनिंग इन नज़ल एंडोस्कोपी और दिल्ली से EX एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, भूतपूर्व प्रोफेसर हैं। और आपको ये जो है पटना के कंकड़बाग में स्थित है, और कहाँ पे है ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ, B4493 सचिवालय कॉलोनी कंकड़बाग पटना, पिन कोड है 800020, साउथ केंद्रीय विद्यालय के पास ये स्थित है। और यहाँ पे जो सुविधा मिलती है आपकी 24 घंटा और सातों दिन आपको मिलेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम दूसरा, आरोग्य ENT हॉस्पिटल, जो आरोग्य ENT हॉस्पिटल जो इस ये भी पटना में, इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4.4 की रेटिंग है और ये लगभग 17 साल से ओपन है। ये राजेंद्र नगर पटना में स्थित है, नियर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के पास। और यहाँ पे कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी फी है 500 रुपये, स्पेशलाइजेशन ENT डॉक्टर्स मिलेंगे, और स्टेबलेटमेंट ऑन फंक्शनल ऑन, मतलब जब से अब कब से कब इसमें वर्क होता है, कब से कब काम होता है ENT का, जो भी सर्जन वगैरह होते हैं कब से कब बैठते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे से 4 PM टू 7 PM यानी 3 घंटे के लिए बैठते हैं, और सैटरडे संडे क्लोज्ड रहता है। और यहाँ पे अगला देखा जाए तो जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो लगभग 12 साल से स्थित है, 12 साल से इस पर कार्य चल रहे हैं। और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसकी 3.9 की रेटिंग है, ये 24x7 घंटा ओपन है, 24x7 यानी ये अब 2400 घंटा और सातों दिन के लिए ये ओपन रहता है। 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा मिलती है। और ये कहाँ पे स्थित है, प्लॉट नंबर DS2 लोहिया नगर कंकड़बाग पटना में स्थित है, जिसका पिन कोड 800020। तो यहाँ पे अगला हम बात कर लें तो तनुष ENT हॉस्पिटल है, जो MBBS ENT डॉक्टर्स हैं, बोरिंग रोड में है, और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4.2 की रेटिंग है, और इस ये लगभग 12 साल से स्थित है, जहाँ पे इसका 12 साल से कार्य चल रहा है। और इसकी ओपनिंग की बात करें कब से कब तक ओपन रहता है, मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है 4 PM टू 7:30 PM तक, यानी 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये ओपन रहता है। और ये कहाँ स्थित है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, सेकेंड फ्लोर दिव्यलोक कम्प्लेक्स वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, और बोरिंग रोड यानी ये बोरिंग रोड पे ही स्थित है, पटना
के जो यहाँ पे स्थित है, जहाँ जिसका पिन कोड है 8410 और 1, और अपोजिट साइड देवरानी जेठानी जो है, देवरानी जेठानी के अपोजिट में है। और यहाँ पे लास्ट आखिरी हम देख लेते हैं कौन सा हॉस्पिटल है, पांचवा मंगलम की ENT क्लिनिक है, जो जिसकी रेटिंग है 5 स्टार, जिसमें अपने आप में बहुत ही अच्छी रेटिंग, अपने आप में बहुत ही अच्छी रेटिंग मानता है ये हॉस्पिटल। और इसकी जो स्थित है, कहाँ पे है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। रामकृष्ण नगर में है, और वेस्ट ऑफ शिवाजी चौक, न्यू बाईपास रोड। इसका जो पिन कोड है 83 times 0 27 एंड 83 times 0 27 शिवाजी चौक बोला जाता है। और इसमें ये देख लेते हैं कि कब ओपन रहता है, ऑपरेशन का प्रोसेस कब होता है, जो फंक्शनल मतलब जो इसमें ऑपरेशन का टाइमिंग होता है, जो वर्क देते हैं आपको, ये जो वर्किंग प्रोसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आप सभी के सामने चार्ट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। संडे को बस क्लोज रहता है, बाकी 5 दिन आपका 24 आवर्स रहता है। और मंडे को 4 PM से लेकर 8 AM तक, AM तक ओपन रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।